उत्तराखंड के प्रभारी राज्यसभा सांसद प्रदीप चमचा ने कोलारस विधानसभा में ली बैठक, हुई संपन्न। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद प्रदीप चमचा ने मौजूदा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कोलारस विधानसभा के विभिन्न जगह बैठक ली, जिसमें बदरवास के स्काई लाइन रिजॉर्ट पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लिए व मुलाकात की और उन्होंने जाना कि कोलारस विधानसभा में कितने प्रत्याशी हैं और पार्टी की हालत क्या है, कि आज सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों से जाना। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम आज पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार जो वादे करेगी वह पूरे वादे निभाएंगे, ये कमलनाथ का प्रण है। और प्रदीप चमचा जी ने बताया कि 2023 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार और मध्य प्रदेश में सारी कमियां हैं जिन्हें कांग्रेस की सरकार बनते ही किया जाएगा। इस दौरान सभा में राज्यसभा सांसद प्रदीप चमचा आदि कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा सरकार ने अभी एक योजना लागू की है, लाडली बहन योजना, इसे आप कैसे देखते हैं? जवान साहब पहले 10-15 साल काम किए, उसके बाद यहाँ 3.5 साल 4 साल का इनका कार्यकाल, तब लाडली और बहनों की योजना नहीं आई। जब हमारे प्रदेश के मुखिया ने कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना शुरू की कि हम हर नारी को क्या कहते हैं महिला को 1500 रुपये देंगे, तो अचानक 1000 रुपये की याद उनको आ गई नारी सम्मान की। वो लोग सम्मान बहनों का महिलाओं का क्या सम्मान करना चाहेंगे, जब दिल्ली में हमारी बेटियां किसान की बेटियां जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री ने घर बुला करके उनके साथ फोटो खिंचा के अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस किया था, जब उन्होंने कहा कि हमारी बहनों के साथ हमारे पहलवान साथियों के साथ यौन शोषण यौन हिंसा का हो रहा है, और वो भी आप ही की पार्टी के एक सांसद के द्वारा 4 महीने हो गए, पुलिस केस दर्ज होने के बाद भी आज भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो लाडली योजना क्या है, ये सिर्फ कांग्रेस के प्रति कमलनाथ जी ने जो योजना चलाई है नारी सम्मान अभियान, उसके प्रत्युत्तर में है। और मध्य प्रदेश की जनता समझती है कि नारी के प्रति उनका क्या सम्मान है।